हिंदुस्तान से बहुत दूर और ग्रैंड के बहुत पास एक शहर है वाजी, और उस शहर का एक बेताज बादशाह है रॉय ग्रुप का मालिक रॉय। 20 साल पहले जब वाजी का अंडरवर्ल्ड मेरी यानी पृथ्वीराज की मुट्ठी में हुआ करता था, तब रॉय मेरे हाथ के नीचे काम करने आया था। चंद दिनों में मैंने अपनी कुर्सी अपने बेटे देवराज के बदले रॉय को सौंप दी। फिर आया इंपोर्ट एक्सपोर्ट सोने और ऑयल के बिजनेस में इन्वॉल्व रॉय ग्रुप के इतिहास का सबसे मनहूस दिन, कराना गांव की ट्रेजेडी। उस दिन रॉय ने इस गैर कानूनी धंधे को कानूनी धंधे में बदलने का फैसला किया, और इस फैसले को अंजाम देने के लिए रॉय ने हिंदुस्तान को चुना। वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डालना चाहता है, लेकिन इस कोशिश की सबसे बड़ी रुकावट है हिंदुस्तान का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रामास्वामी। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, हमारी सरकार में ऐसे गैंगस्टर्स के लिए जगह नहीं है, ना होगी। देवराज, ये साले रामास्वामी को रोक के कैसे? That they had pitched for in 2016. और भारत सरकार रॉय ग्रुप का हर कदम पे साथ देगी। Signed, रामास्वामी देशपांडे। हमने आपको नहीं, आपके सिग्नेचर को किडनैप किया है, बस दे दो और जाओ। मेरे हाथों ने कई गुनहगारों को रोका है, अब तुम्हें कोई रोक सकता है तो सिर्फ मैं। एक सेंट्रल मिनिस्टर को किडनैप करके ले जाने का नतीजा क्या होता है जानते हो? जब हमारे लोग तुम्हारे लोगों की लाशें उस दरवाजे से घसीट कर ले जा रहे होंगे, वो तब समझ में आएगा। Thank you.